अच्छा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से जब आप होते हो तो प्लेसमेंट का एक बहुत ज्यादा खतरनाक सीन चल रहा होता है वो, तो प्लेसमेंट के टाइम पे आपका क्या था कि मतलब आपको यूट्यूब उस टाइम जब आपने स्टार्ट किया था ओके okay, हाँ तो सीन ये हुआ था कि मैंने फोर्थ ईयर में शुरू किया था। फोर्थ ईयर बिल्कुल खाली जाता है, बीटेक में ऑलमोस्ट खाली जाता है, घर पे बैठ के पढ़ाई करनी होती है, सब करना होता है। तो मैंने चैनल शुरू कर दिया जनवरी में, लास्ट सेमेस्टर था मेरा, और जो मेरा पेचेक था वो अप्रैल तक आना शुरू हो चुका था। तो अब जून में ये सवाल था कि क्या प्लेसमेंट लेनी चाहिए, क्योंकि प्लेसमेंट से जो सैलरी मिल रही थी वो एग्जैक्ट उस टाइम सेम थी यूट्यूब के पेचेक से। तो उस टाइम ये था कि ये रिस्क वाली बात थी कि क्या ये रिस्क लेना चाहिए। तो मेरे फादर ने कहा कि दिसंबर तक ट्राई कर सकते हो, कि दिसंबर तक, क्योंकि चांस चांस होते हैं कि अगर हम बीटेक में तुम्हारा सेमेस्टर क्लियर भी हो गया तो दिसंबर तक तुम चीजों को कर सकते हो, खींच सकते हो चीजों को। तो दिसंबर तक मैंने चैनल चलाया और फिर मेरे को लगा कि इसी में लगे रहने में फायदा है जब तक लग सकते हैं। और फैमिली का ये जो सपोर्ट मिला उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिली है कि एक्चुअल में मेन ये नहीं है, उन्होंने पुश किया कि बेटा मिल रही है तो जाओ कर लो। मेरे फादर जो हैं वो, मैं इस बात के लिए अपने आप को लकी मानता हूँ कि वो इन चीजों को समझते हैं कि अपनी मर्जी से किसी काम को करना और किसी और की मर्जी से किसी काम को करना, दोनों कामों में बहुत फर्क होता है। और दोनों कामों में, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने एक ही चीज समझाई है कि बेटा अगर झाड़ू भी लगाओ ना कभी आगे चल के, अपना 100% देना उसमें। तो अगर कुछ भी करो, अपना करो, दूसरे का करो, जो भी करो उसमें 100% देना। ऐसा नहीं कि थोड़ा ये कर लूं थोड़ा वो कर लूं, जो करो अच्छे से करो। तो मेरे पापा ने कहा कि भाई अपना काम हमेशा आदमी अच्छे से ही करता है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये चीज करो जब तक कर सकते हो, बाकी देखी जाएगी।